नमस्कार उदयपुर, आज हम बात करने जा रहे हैं सूक्ष्म पुस्तिकाओं के कलाकार श्री चंद्र प्रकाश जी चित्तौड़ा, जिन्होंने अभी माचिस की तीलियों से होली बनाई है और गेहूं की भी होली बनाई है। सर बताएं इनके बारे में। सबसे पहले तो आम जन को होली की शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। और आपके लेटेस्ट न्यूज़ चैनल के माध्यम से जो आप बता रहे हैं, बहुत सूक्ष्म होली बनी है, कागज़ की होली बनी है, तो लिखने की चौक से भी होली बनी है, और भी ये माचिस की तीलियों से बनी है, गेहूँ की होली बनी है, तार की होली बनी है ताकि प्रदूषण न फैले। और इसमें भक्त प्रहलाद को होली का को लेके बैठी हुई है, भक्त प्रहलाद को होली का लेके बैठी हुई है, उसकी भी एक पूरी कथा लिखी है इसमें। और एक सूक्ष्म पिचकारी बनी है लिखने की चौक से ताकि पानी की बचत हो, और हर्बल गुलाल लगाने चाहिए अपने को, और गेहूँ की होली माचिस की तुल्ली के अंदर रॉकेट भी लगाया गया है और वडोले पहनाए गए हैं जो गोबर की बनाती है, छोटे बच्चे हैं बालिकाएँ तो उनके वडोले बनाए गए रखे के बनाए गए हैं, और इसमें अच्छा श्रृंगारित किया गया होली को, और पिचकारी बनाई गई डायरी में होली के महत्व और गुलाल के महत्व को भी दर्शाया गया है इसमें। ये जो आपने होली बनाई है माचिस की तीलियों से और गेहूं के दाने से और लोहे के तार से, तीन तरह की आपने होली बनाई है, और ये पिचकारियों में भी पूरा इनका वर्णन किया है आपने, तो ये कागज़ की जो पिचकारी बनाई है इनमें, तो आप इनसे क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ कि आम जनता को पानी की बचत करें, आजकल पानी की बहुत व्यर्थ जा रहा है, और पानी और गुलाल कम से कम लगाए, तिलक होली लगाकर और होली खेलें इसमें। और सभी बाल बच्चों को भी शुभकामना देना चाह रहा हूँ सूक्ष्म कला के माध्यम से। जैसा कि आपने देखा, इन्होंने अभी ये माचिस की तीलियों से होली बनाई है, इससे पूर्व भी इन्होंने कई प्रकार की छोटी पुस्तकें बनाई हैं जो नाखून से लेके रखने पर बहुत बड़ी विशालतम और छोटी से छोटी सूक्ष्म पुस्तिकाएँ बनाई है, जिसमें इन्होंने सारे कलाकारों जो सभी का वर्णन किया है वो भी हम आपको दिखाएंगे अभी, तो उनके बारे में। मैंने एक सबसे पहले तो उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत की किताब बनी थी जीवन परिचय, 2003 से 3 में मुलाकात की थी, उदयपुर यात्रा थी उनकी, तो उस समय मैंने सबसे पहली पुस्तक जीवन राजस्थान माटी की सपूत की थी, व्रत जीवन यात्रा उतारी थी, और उनको रूबरू होकर और उदयपुर में वो आए, किस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, उस समय मैंने हाथों हाथ उनको भेंट किए, और एक हथेले में 40 डायरी बनाकर तो सूक्ष्म डायरियों का बुक बाइंडिंग के रूप में, छोटी कच्ची पक्की जैसे स्पायरल बाइंडिंग, कॉम बाइंडिंग को अभी उसका लोकार्पण करवाया था गुलाबबाग में, सत्तर विकास कार्यक्रम हुआ था 2003 में, तो उन्होंने मेरे को कला को आगे बढ़ाते हुए शुभकामना दी, और तब से मैं काम कर रहा हूँ, और कोई बच्चे वगैरह आते हैं उनको सिखाने का काम भी रखा है ताकि रोज़गार मिल सके। तो ये आप देख सकते हैं कि माचिस की तुल्य से होली बनाई गई है, इसके अंदर भक्त प्रहलाद को भी बैठाया गया है और होलिका के अंदर चित्र लगाया गया है, तो इसमें वडुल्य पहनाए गए, छोटे छोटे वडुल्य लड़कियाँ बनाती, गोबर से बनाती है वडुल्य, तो हमने इसको गत्ते के अंदर वडुल्य पहनाकर इसकी शोभा बढ़ाई है, आप देख सकते हैं उनके ऊपर। ये सतरंगी होली बनाई गई है, होली का पिचकारी के रूप में बच्चे जो पिचकारी चलाते हैं तो उसमें पानी व्यर्थ बहुत ज़्यादा व्यर्थ होता है, तो हमने कागज़ के ऊपर पिचकारी बनाई डायरी में पिचकारी के होली का महत्व बताते हुए और सारा वर्णन किया गया है इसमें, आप देख सकते हैं पूरा। ये क्या है? ये होली बनी गई है, भक्त प्रहलाद और होलिका के रूप में बैठी हुई है, होली जलती स्वरूप में रहती है, इसमें लिखा हाथ से भी लिखी गई है पूरे। ये चौक से पिचकारी बनाई गई है जिसके अंदर पानी की धार भी निकल रही है और पिचकारी छूटती हुई बताई गई, सतरंगी पिचकारी है, आप देख सकते हैं इसमें चौक से भी बनाई गई है। चित्तौड़ा जी को वर्ल्ड ग्रेस्ट रिकॉर्ड से भी मिला है इनको, और उसके बारे में भी ये हमें बताएंगे, जो इन्होंने बहुत ही सूक्ष्म पुस्तिका बनाई थी जिसके बारे में बताएंगे, ये बताइए। दुनिया की सबसे छोटी डायरी बनाई है, वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुई है ये, और ये गिनीज बुक का रिकॉर्ड तोड़ा मैंने, इसमें
75 मिलीमीटर की डायरी थी, तो इसको मैंने 0.02 मिलीमीटर की डायरी बनाई है। 42 पेज की बाइंडिंग भी की है इसके साथ, आप देख सकते हैं पेज भी खुले हुए हैं इस डायरी में, और ये वर्ल्ड ग्रेटेस्ट रिकॉर्ड बुक में दर्ज हुआ।